और ये देखिए सामने राजेश भाई बैठे हुए हैं। तो पहले भी ये जो है 10 महीने हमारे गाड़ी में कंटिन्यू काम किए थे। तो बताइए राजेश भाई, हमारे पास आप काम किए 10 महीने, कैसा अनुभव रहा? और आपको खाना पीने से लेके पैसा वगैरह का कुछ प्रॉब्लम था तो बताइए, एकदम खुल के बताइए। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, पैसा हमको सब मिला। हम 10 महीने ही गाड़ी में काम किए, हम दिल्ली गए थे तो फिर आके हम घर पे फोन किए, तो फिर हमारा मालिक जो है मोटर मालिक वो आया था, फिर हमको फिर पैसा दिया, 2000 रुपया दिया, तब फिर चढ़े। नहीं नहीं वो नहीं, जैसे 10 महीने आप काम किए हैं तो 10 महीने में आपको पेमेंट मिला कि नहीं मिला? मिला मिला। 1 रुपया भी हम लोग रखे कि नहीं रखे, सो बताइए। नहीं रखे। और रह गया बात हमारे पास खाने पीने का, यार कोई तरह का दिक्कत है तो बताइए, तुम खुल के बोलिए, झूठ नहीं। कोई दिक्कत नहीं, एकदम विश्वकर्मा का कसम खा के, विश्वकर्मा का कसम खाते हैं। हाँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो भाई अभी सुबह के बज रहे 10 और ये देखिए मौसम का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। और कल शाम को ही हम लोग नेपाल पार्किंग में आए हुए थे, तो रात में बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ था, लेकिन जिसका जिसका गाड़ी पास हो गया वो सारा निकल के जा चुका है नेपाल अंदर में खाली करने के लिए। देखिए इधर पूरा गाड़ी भरा हुआ था, इधर इधर पूरा गाड़ी भरा हुआ था। तो फिलहाल अभी कंटेनर गाड़ी चारों तरफ लगा हुआ है। और ये देखिए गोदाम है, तो यहीं पे ये माल एक्सपोर्ट होता है, यानी इसमें विदेशी माल आया हुआ है खिदिरपुर से, तो खिदिरपुर से आया हुआ है, तो सारा माल यहीं पर खाली हो रहा है। इधर राजेश जो है कैरेट और चटाई उतार के खाना बना रहा है। तो देखिए आज ये चावल अभी बना चुका है, इधर इधर दाल बनाया है, ये देखिए दाल भी इधर बना हुआ है। इसमें राजेश क्या बन रहा है? भुंजिया, आलू वाला। आलू वाला भुंजिया है। ये देखिए दोस्तों इसमें आलू गोभी और करेला तीनों डाल के मिक्स भुंजिया बना रहा है। और गाड़ी जो है हमारा लगभग 2 बजे के बाद पास होगा। और ये देख सकते हैं सामने भंसार है और इधर बाएं साइड में कैंटीन है। तो दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, राजेश जो है फटाफट खाना बना लिया है, अब खाना वाना बना के गाड़ी में सारा सामान रख लेते हैं और थोड़ा नहा भी लेते हैं। सामने नल है, उधर उधर आप देख रहे हैं नल है, चपाकल है, तो वहीं पर जाके हम नहा लेते हैं। कल राजेश भाई नहा लिया था लेकिन हम नहीं नहा पाए थे, तो हम भी नहा लेते हैं, नहाने के बाद ही खाना वगैरह खाएँगे। तो ठीक है दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिए, अगर YouTube में है तो सब्सक्राइब कीजिए और Facebook में है तो फॉलो कीजिए। दोस्तों दिन के 11:30 बज चुके हैं और ये देखिए हम नहा वहा के पूरा रेडी हो चुके हैं और मेरा कपड़ा भी गंदा हो गया था, वो भी कपड़ा धो लिए हैं। इधर राजेश भी नहा लिया है और ये देखिए हमारा खाना भी निकल रहा है। तो चावल दाल और आलू का भुंजिया, तो यही हमारा खाना हो रहा है दोस्तों। और अभी जो है गाड़ी हमारा पास होने वाला है, लेकिन जो भी होगा दोपहर के बाद ही होगा। फिलहाल लाइसेंस वगैरह लेके गया है यहाँ से एजेंट जो है, और बोला कि दोपहर के बाद गाड़ी पास कर देंगे। तो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर आगे हमको विराट नगर जाना पड़ेगा और कल सुबह 10 बजे हैदरा से गाड़ी खाली होगा, क्योंकि कॉयल है 12 पीस, लगभग 2 टन 2.5 टन का एक कॉयल है, तो बिना हैदरा के खाली होने वाला नहीं है। तो ठीक है दोस्तों पहले भोजन कर लेते हैं। दोस्तों हमारा खाना निकल चुका है, ये देखिए इधर राजेश भाई का भी खाना निकला हुआ है, ये भी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, उधर फिलहाल नमक निकाल रहे हैं। इधर देखिए हमारा खाना, तो आलू का भुंजिया और दाल, यही खाना है एकदम शुभ शाकाहारी। ठीक है दोस्तों खाते हैं। खाना काफ़ी टेस्टी बना है दोस्तों। दोस्तों दिन के 3 बज चुके हैं और ये देखिए हमारा गाड़ी पास करने के लिए भैया जी आ गए हैं। राम राम। तो भैया अभी क्या क्या करना पड़ेगा ये बताइए। अभी पहले तो ये डाला गिराना पड़ेगा, उसके बाद क्या बोलता है सामान दिखाएंगे, उसके बाद होगा पास। अब वो देखते हैं कितना देर लगता है। तो मतलब डाला क्यों दिखाना है, मतलब माल क्यों दिखाना है उनको? माल तो चेकिंग तो कराना पड़ा ना, अब क्या लेके जा रहे हैं। अच्छा, पेपर में कुछ वहाँ कुछ हुआ तो फिर दिक्कत होगा ना। अच्छा, और उसी के अनुसार टैक्स भी लगता है नेपाल का ना? उसी के अनुसार टैक्स लगता भैया। तो फिलहाल जो है राजेश जो है वो बत्ता खोल दे रहा है, इसको डालने चेक करा के वो कॉइल चेक करेगा। और क्या क्या चेक कीजिएगा उसमें? कॉइल वही MRP वगैरह और कहाँ का बना हुआ है, वही सब चेक होता है, ये सब चीज़ें। और कितने बजे तक पास हो जाएगा सर?
अभी अब बज रहा है, अभी 3 बजने वाला है। अच्छा अच्छा, लगभग 1.5 घंटा और समझिए। 1.5 घंटा? हाँ, अगर जल्दी में काम हुआ तो। अच्छा, और यहाँ से हम लोग को 8 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा विराटनगर खाली करने के लिए। वैभव के डी आई जी है ना, पहले भी हम माल लेके गए हैं। अच्छा, गए हैं पहले, तब तो आपको बताना नहीं पड़ेगा। पंजाबी पेट्रोल पंप के बगल में ही, बस वहीं पे जाना है। और कल हाइड्रा से खाली करेंगे वो। हाँ, कल वो हाइड्रोलिक को लाएंगे, उससे गिराएंगे। हाँ, अब आज आपको भेजेंगे, आज कल आप खाली करेंगे, निकलेंगे आप उसके बाद। चलो राजेश भाई, फटाफट ये खोल दिया ना बत्ता, अब इधर से हम डाला खोल दे रहे हैं, उसका चेक हो जाएगा। राजेश जो है वो चेक कर रहा है, क्योंकि इसमें स्टिकर लगा हुआ रहता है, तो स्टिकर में सारा वेट। और भैया स्टिकर में क्या क्या लिखा हुआ रहता है? वेट, MRP, कंपनी का नाम, रिसीव करने वाला का नाम, बेचने वाला का नाम, वो सब वगैरह भेजा हुआ रहता है। जी यही हो गया ना जी। चलिए फटाफट पास करवा दीजिए, फोटो उसका भी खींचना पड़ेगा ना, कितना मोटा है बोल के, कितना MM का है, क्या है, वो सब वो लोग भी देखता है, जांच पास करता है, उसके बाद ही पूरा प्रक्रिया होने के बाद ही होता है भंसार ना। वही पूरा प्रक्रिया जब तक करेंगे नहीं तब तक वो जान छोड़ेगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, तो बुला लीजिए ना, कस्टम वाला आदमी देखेगा ना, पहले जाके वो हकीम को जो सबसे बड़ा होता है ना उसको फोटो दिखाएंगे तो वो बोले। अच्छा, वो वही है ना भंसार, वही ना, यही है भंसार, वो सामने से वहीं से आएगा आदमी ना, वहीं से आएगा। चलिए ठीक। तो दोस्तों तिरपाल काट के वायर चेक हो रहा है कि कौन सा मटेरियल है, ये देख सकते हैं, ये टोचन वाला वायर है। भैया ये वायर क्या चीज़ काम आता है ये बताइए? ये वायर वो बड़ा बड़ा वो मशीन सबको बांधने में, खींचने में। सुनते पुल वगैरह में भी लगता है ये? पुल वगैरह में लगता है, पर इससे मोटा वाला, यही चीज थोड़ा मोटा में लगता है। अच्छा अच्छा, पूरा लग रहा है टोचन वायर जैसा लग रहा है। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और हम लोग आ गए हैं कैंटीन में चाय पीने के लिए। तो आप देख सकते हैं बाएं दाहिने साइड में ही कैंटीन है, और उधर देखिए हमारा गाड़ी लगा हुआ है, उधर देखिए वही पार्किंग है जिधर मेरा गाड़ी लगा हुआ है, इधर राजेश भी साथ में है। तो चलते हैं थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं। दोस्तों हम लोग आज कैंटीन में चाय पीने के लिए, और साथ में नमकीन भी है, इधर देख सकते हैं नमकीन। खाओ राजेश, खाओ इधर, बाकी हमारा चाय आने वाला है, सब तक नमकीन करते हैं। क्या पियो? दोस्तों अभी हम लोग चाय पी के आ गए हैं गाड़ी के पास, और हम लोग पेपर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नेपाल पासिंग हो रहा है। और ये देखिए सामने राजेश भाई बैठे हुए हैं, तो पहले भी ये जो है 10 महीने हमारे गाड़ी में कंटिन्यू काम किए थे। तो बताइए राजेश भाई, हमारे पास आप काम किए 10 महीने, कैसा अनुभव रहा, और आपको खाना पीने से लेके पैसा वगैरह का कुछ प्रॉब्लम था तो बताइए, एकदम खुल के बताइए। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, पैसा हमको सब मिला, हम 10 महीने ही गाड़ी में काम किए, हम दिल्ली गए थे तो फिर आके हम घर पे फोन किए, तो फिर हमारा मालिक जो है मोटर मालिक वो आया था, फिर हमको फिर पैसा दिया, 2000 रुपया दिया, तब फिर चढ़े हैं। नहीं नहीं वो नहीं, जैसे 10 महीना आप काम किए हैं तो 10 महीना में आपको पेमेंट मिला कि नहीं मिला? मिला मिला। 1 रुपया भी हम लोग रखे कि नहीं रखे सो बताइए? नहीं रखे। और रह गया बात हमारे पास खाने पीने का यार कोई तरह का दिक्कत है तो बताइए, तुम खुल के बोलिए, झूठ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, विश्वकर्मा का कसम खा के, विश्वकर्मा का कसम खाते हैं। हाँ, विश्वकर्मा का कसम खा के झूठ नहीं बोलना तुम, खाने पीने में दिक्कत नहीं हुआ, और पैसा कौड़ी कोई मतलब कुछ नहीं, सब मिल रहा है। लेकिन और लोग जो है, एक दो आदमी जो मेरा विरोधी लोग है, वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि धर्मेंद्र का मैंने पैसा रोक लिया, और हमारा गाड़ी में आराम है, हेल्पर को कि नहीं है सो बताइए? बहुत आराम है। क्या गाड़ी में आप आए तो कितना आपको खटवाया जाए, कितना काम करवाए सो बताइए? तो हम कुछ काम नहीं हुआ, काम करेंगे अब, धीरे धीरे सब काम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये गाड़ी में ज्यादा खटा नहीं, क्या मतलब ज्यादा मेहनत वाला काम है? मेहनत नहीं है, आराम आराम का काम है। सुबह में सुत उठ के अपना गाड़ी साफ सफाई कर लिया, और खाना पीना बनाना है। अब मेहनत कब लगता है? जब गाड़ी लोडिंग होता है उस समय रस्सा तिरपाल करने टाइम में, और जब खाली करने के टाइम में थोड़ा रस्सा तिरपाल को हटाना पड़ता है, खोलना पड़ता है, और सरिया के रखना पड़ता है, बस वही काम है गाड़ी उड़ी में, और तो कोई काम नहीं है। रह गया बात है, किसको गाड़ी नहीं दिए? सौरभ को नहीं देते थे गाड़ी क्या? सौरभ को आप वीडियो में देखते थे ना, सौरभ को देते थे गाड़ी? देखते थे। धर्मेंद्र पिकअप चलाता था, धर्मेंद्र को भी मैंने गाड़ी दी, ऐसा बात नहीं है कि गाड़ी उसको चलाने नहीं देते थे हम। देखिए हम वैसा है नहीं, क्योंकि जब कोई भी बंदा मेरे पास आया है तो मेरा एक ही ध्येय रहता है कि अगला पूरा घर परिवार बीवी बच्चा के छोड़ के आया है तो उसको धीरे धीरे गाड़ी सिखाना है।
ठीक है, वैसा कोई दिक्कत नहीं, हम गाड़ी देते हैं, लेकिन बस यही बोलते हैं कि सेफ्टी से चलाओ, आराम आराम से चलो, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करो। क्या राजेश भी जो है 10 महीना रहा, और रह गया बात है, ये कभी भी जाता है तो हमको पहले बोल देता है, 1 हफ्ता 10 दिन पहले बोल देता है, हाँ भैया हम नहीं जा पाएंगे गाड़ी में, चाहे हम दिल्ली जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं, तो आदमी हम खोज लेते हैं दूसरा। क्या बाबू? हाँ ये बात सच है। जैसे कहने का मतलब तुमको छुट्टी चाहिए तो तुम पहले बोलेगा कि नहीं बोलेगा, 10-15 दिन पहले बोलेगा कि नहीं बोलेगा, सो बताओ। बोलेगा, बोलेगा। हाँ ऐसा तो नहीं होता है कि तुम गाड़ी जैसे घर पे खड़ा किया और सीधे बोल दो हम नहीं जाएंगे, तो हमको दिक्कत हो जाता है ना, गाड़ी मेरा छूट जाता है, खड़ा हो जाता है हेल्पर के बिना, फिर हमको हेल्पर खोजने में 2 दिन टाइम लग जाता है। चलिए यही सब समस्या रहता है दोस्तों, खासकर हेल्पर को लेके, तो वही सारा कन्फ्यूजन आज हम दूर कर रहे हैं। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और ये देखिए हमारा नेपाल भी पास हो गया है, तो एजेंट मात्र 200 रुपया लिया और ये पेपर दे दिया है। अब यहाँ से 8 किलोमीटर आगे जाएंगे विराटनगर, तो वहीं पे सेठ जी का गोडाउन है, वहीं पे हमारा गाड़ी खाली होगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ से निकलते हैं और जाके मेन गेट है वहाँ पे थोड़ा एंट्री वगैरह करवाना पड़ेगा, थोड़ा पेपर भी वहाँ पे चेक होगा, उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकल के 8 किलोमीटर चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और निकल रहे हैं। दोस्तों एंट्री करवा के मेन गेट से बाहर निकल चुके हैं और ये देखिए यहाँ पे ट्रैफिक वाला को भी दिखा के खर्च वगैरह जो देना दे दिए थे। अब आगे थोड़ा राशन वगैरह लेना है हमको। बगल में इधर दुकान है तो थोड़ा राशन वगैरह ले लेते हैं, चावल और गोभी वगैरह लेना है कुछ, तो लेकर आते हैं उसके बाद चलते हैं। दोस्तों इधर सामान ले लिए हैं, चावल गोभी फिलहाल एक सामान लेकर चल रहे हैं। वो देखिए सामने गाड़ी मेरा लगा हुआ है उधर। दोस्तों राजेश जो है आगे एंट्री वगैरह भी करवा दिया, ये देखिए अब आगे चलते हैं 8 किलोमीटर, वहीं पे गाड़ी वगैरह खड़ा करके खाना पीना बनाएंगे। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे हमारा गाड़ी खाली होना है, ये देख सकते हैं इधर ही सामने बाएं साइड में गाड़ी दबा के लगाना पड़ेगा और यहां से 1 किलोमीटर आगे कल सुबह में गाड़ी खाली होगा। दोस्तों अब जा रहे हैं बिल्टी जमा करने के लिए, तो ये देख सकते हैं ये सामने घर है, तो यहीं पे हमको बिल्टी जमा करना पड़ेगा, फटाफट बिल्टी जमा करके चलते हैं गाड़ी के पास। दोस्तों बिल्टी जमा करके आ चुके हैं ऑफिस में और ये देखिए इधर राजेश चटाई उटाई निकाल के खाना बनाने की तैयारी कर रहा है, उधर रोटी लगता है बन गया। क्या क्या बना रहे हो राजेश भाई? रोटी है और आलू का सब्जी है, आलू गोभी का, आलू गोभी का सब्जी और रोटी बना रहे हैं, और वो लगता है घी में रोटी घी में अभी इसको पकाएंगे ना, हो गया है काम। चलिए ठीक है दोस्तों, खाना हमारा रेडी हो रहा है। दोस्तों रात के 9:30 बज चुके हैं और हमारा खाना कंप्लीट हो गया है, तो आप देख सकते हैं इधर रोटी, इधर सब्जी, इधर राजेश भाई का निकला है। तो चलो बाबू राजेश घी लगा हुआ रोटी खाओ और सेहत बनाओ। ठीक है दोस्तों खाना गरम गरम है, खा लेते हैं। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और खाना खा के हम लोग गाड़ी पे आ चुके हैं और अब जा रहे हैं अब हम लोग सोने के लिए, क्योंकि जितना जल्दी सोएंगे उतना ही जल्दी सुबह हम उठेंगे और फाइनली कल तो हमारा गाड़ी खाली होगा ही। तो दोस्तों इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, जय हिंद।